नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। मोदी सरकार बड़े बड़े 10 सालों का दावा करती है, लेकिन हकीकत क्या है उसके लिए आपको गांव की सड़कों को देखना पड़ेगा, नेशनल हाईवे से उतर के जो राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे हैं उनको देखना पड़ेगा, और जो चकाचौंध मोदी सरकार दिखाती है उसकी हकीकत क्या है इसको रूबरू कराते हैं आपको। और हमारा सफ़र जो है वो पंचकुला के कोर्ट से शुरू होगा ये, और हम नारायणगढ़ की तरफ जाएंगे। नारायणगढ़ वो इलाका जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इलाका है। 10 साल की डबल इंजन सरकार की हकीकत आपको दिखाएंगे। सड़कों से जब आप दूसरी सड़कों की तरफ जाएंगे तो आपको 10 साल का विकास दिखाते हैं। आइए हमारे साथ सफ़र में जुड़िए। सड़क है, सड़क तो क्या, ये सड़क में खड्डे हैं, मिट्टी है, बजरी है, और ये इसलिए इस सड़क की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नए बने हैं नायब सिंह सैनी का इलाका है नारायणगढ़ का। ये सड़क कोट से रायपुर रानी जाती है। डबल इंजन सरकार के विकास को आप देख सकते हैं। ये जो सड़क है ये पूरी इसी तरह से है, खड्डे हैं, खरोच पड़ी हुई सड़क में, लोग इस पर आना जाना बहुत कम पसंद करते हैं। और ये अभी का हाल नहीं है, ये तकरीबन 2 साल से इस सड़क का हाल है। और ये सड़क जो है हरियाणा की इसलिए इम्पोर्टेंट सड़क है क्योंकि ये हिमाचल को जोड़ती है, आगे उत्तराखंड को जोड़ती है। और अब आप हाल देखिए कि लगातार तकरीबन हमने 10 किलोमीटर का सफर कर लिया है और ये सड़क जो है खड्डे वाली सड़क, सड़क तो क्या, मिट्टी है पूरी। ये है डबल इंजन के विकास की आपके सामने पर्दाफाश। विकास की बातें होती हैं, नए भारत की बात होती है, गांव किसान की बात होती है, लेकिन धरातल पर आप देखिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इलाके का जो सड़क है, मुख्य सड़क है, उसका हाल देखिए आप। आप यहाँ बहुत ही सावधानी से आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा। खड्डे हैं और बारिश के दिनों में यही हाल हो जाता है। लोकसभा के चुनाव हैं, नेता इन सड़कों पर आएंगे, बड़े बड़े वादा करेंगे, मुख्यमंत्री का इलाका है, इसके विकास की बात करेंगे, पर ये विकास आप देख सकते हैं। हमने तकरीबन 15 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है, और जो अधिकतम स्पीड होती है गाड़ी की इस पर वो 20 से 25 किलोमीटर पर आवर की होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण सड़क है क्योंकि एक तो हिमाचल को जोड़ते हैं ये सड़क, इंडस्ट्रियल टाउन है, काला अंब है, काफी मशहूर इंडस्ट्रियल टाउन है, लोग चंडीगढ़ से, पंचकुला से, देहरादून ट्रेवल करते हैं तो इस रोड पे जाया करते थे, लेकिन अब उन्हें लंबा रास्ता लेना पड़ता है। ये एक शॉर्टकट रास्ता था लेकिन लगातार पिछले 2 साल से सड़क का ये हाल है। हमने जानबूझ के ये सड़क को दिखाया है, इस पर कोई आता नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं, स्थानीय लोग ही आते हैं जिनका जो गांव है, कस्बे हैं, या जो लोकल यहाँ पर काम करते हैं वो लोग आते हैं। आप देख सकिए, देखिए ये स्थिति है इस सड़क की। बातें करते हैं हाईवेज बनाने की, ऑल वेदर रोड्स बनाने की, पर आप ये देखिए कि ये हकीकत है मुख्यमंत्री के इलाके की सड़क का। खड्डे हैं, देखिए बाइक पे आते हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से उनको बैलेंस बनाना पड़ता है, और अमूमन एवरेज यही होती है गाड़ी की 15 से 20 से 25। आसपास इलाकों में डेवलपमेंट तो है पर सड़क जो है, देखिए आप टाउनशिप वगैरह भी यहाँ पर बन रही हैं, लेकिन जो सड़क के हाल हैं, पुल के हाल हैं, वो ये है भारत के अंदर की तस्वीर। हाईवे पे जब आप गुजरते हैं तो पता नहीं लगता है, लेकिन एक कस्बे से दूसरे कस्बे की जोड़ने वाली जो सड़क होती है उनके डबल इंजन सरकार की ये हकीकत देखिए। ये मुख्यमंत्री का इलाका है, और जब मुख्यमंत्री के इलाके का ये हाल है हरियाणा के मुख्यमंत्री का, तो बाकी जगहों का, अंदरूनी सड़कों का क्या हाल होगा इसको आप अंदाजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। नमस्कार।